हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल कैसे सेट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में जाइए, वहां पर लॉगिन कीजिए अपने यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल में लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये सेटिंग हम अपने मोबाइल के द्वारा कर रहे हैं। अब YouTube चैनल के डैशबोर्ड में जा कर के आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइजेशन का। कस्टमाइजेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन खुलेंगे। पहला ऊपर लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फो। आपको क्या करना है, बेसिक इन्फो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बेसिक इन्फो पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप नीचे देखेंगे चैनल यूआरएल, उसके नीचे आएगा कस्टम यूआरएल। के नीचे देखिए सेट कस्टम यूआरएल। आप जाकर क्लिक करें तो आपको एक चैनल का नेम मिलेगा। अगर आपको ये सही लगता है तो आप ये रख सकते हैं, अन्यथा दूसरा चेंज कर सकते हैं। जा कर के पब्लिक पर, आप ऊपर कोने में पब्लिक्स लिखा है, उस पर आप क्लिक कर दें। आपके चैनल का यूआरएल सेट हो जाएगा, आपका जो भी YouTube चैनल होगा उस नाम से। फ्रेंड्स, किसी भी YouTube चैनल का कस्टम यूआरएल उसी टाइम पर मिलता है जब आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हों, दूसरा आपका चैनल 30 डेज पुराना हो, आपके YouTube चैनल पर प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, आपके चैनल पर बैनर लगा होना चाहिए, तभी जा करके आपको कस्टम यूआरएल मिल सकता है। आई होप फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।